देखिए बीपीएससी के जो छात्र हैं वो आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रखते हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से बीपीएससी के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी गुरु रहमान सर है जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। ये वही गुरु रहमान सर है जिसने सोनू को छू करके सोना बना दिया था। आज सोनू कहाँ है और जिसे भी छूते हैं गुरु रहमान सर वो सोना हो जाता है। जिन भी बच्चों को इन्होंने शिक्षा दी है, जिन भी बच्चों के जीवन का इन्होंने निर्माण किया है, वो बच्चे आज अच्छी जगह पर पद स्थापित हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु रहमान सर का देशवा न्यूज में स्वागत करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। बीपीएससी के जो छात्र हैं आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस? देखिए ये बीपीएससी की बात नहीं है, बीपीएससी हो या बीपीएसएससी हो या बीएसएससी हो या आपको जो सिपाही की भर्ती करता हो, अपने जवान को भर्ती करता हो, सारे के सारे आयोग सड़ चुके हैं, गंदगी की उस चरम सीमा पर पहुंच गए हैं जिसकी व्याख्या किसी चैनल पर बैठ के नहीं किया सकती। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सब चीज पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर सब चीज पर ध्यान दिया जाता है लेकिन शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं वे अपने आप को डिक्टेटरशिप की भूमिका में सामने हैं। यहाँ क्वेश्चन कौन सेट करता है वो पता नहीं होती है, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसकी पता नहीं होती है, किस बच्चे पढ़ते हैं अपने ये अच्छी किताबें टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से सेट कर देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ई चॉइस ईड ईड ई लगा दिए हैं, इनमें एक से अधिक कोई नहीं, यानी कि हर परिस्थिति में ये लोग किसी भी दृष्टिकोण से इतने बड़े परीक्षा को आयोजित करने के की क्षमता वर्तमान में बीपीएससी के पास नहीं है। क्योंकि जब से मैं बीपीएससी दे रहा था, ध्यान रहा हूँ जब से बीपीएससी को, तब से कोई ऐसा वर्ष नहीं हुआ जब बीपीएससी हो, सचिवालय साहब हो या अन्य दरोगा हो, कहीं क्वेश्चन का आंसर गलत ना हुआ हो। तो निश्चित रूप से छात्रों की मांग 2000% जायज है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अपील कर रहा हूँ, वो छात्र भी इसमें सब रोड पर जा रहे हैं, उनसे कहूँगा कि अहिंसा को बनाए रखिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि अब ये जो आपको अमरिंदर कुमार जो है वो 7 साल तक टिके हुए हैं, जबकि बच्चे को मन में असंतोष है और अमरिंदर कुमार चोर है, हमको फांसी पर लटका दीजिए लेकिन हम बोलेंगे, तो फिर अमरिंदर कुमार को 7 साल तक पोस्ट कर रखने की क्या जरूरत है भैया? जब बच्चों के मन में संशय है तो क्या जरूरत है? आप 9 क्वेश्चन करते हैं, 9 क्वेश्चन गलत दे देते हैं, कभी 4 देते हैं, कभी 2 देते हैं, कभी 7 देते हैं, कभी 42वें में सी ग्रुप का 37 क्वेश्चन सेम रिपीटेड था, कैट वाले बिल्ली क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन था कि कैट वाले क्या होता है, ये सेम क्वेश्चन था। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि बीपीएससी सिपाही भर्ती बोर्ड को के क्या उसको फाउंडेशन कहिएगा, न्यू जंग लग गया है और उस जंग को साफ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और युवाओं की जो आवाज है हमारे तेजस्वी जी जो युवा है, खुद युवा का दर्द समझ सकते हैं, उन लोगों सामने आके इस पर जबरदस्त प्रयास करना होगा। क्योंकि यह सड़ चुका है और सड़ा हुआ चीज को सुधारने में वक्त लगता है, या तो उसको काट कर फेंक दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। सर पिछले दिनों जो छात्र बीपीएससी के मुद्दे पर उतरे थे सड़कों पर, उनका आरोप था कि प्रश्नों में धांधली की गई। देखिए धांधली प्रश्नों में नहीं, धांधली की है प्रश्न, प्रश्नों की भी बात उन लोगों ने कही तो कुछ कही थी, तो बहुत हमें धांधली की बात मैं महाभारत का संदेह नहीं बता दूं कि धांधली हुई थी, किसने किया था, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं लोचा है, कोई ना कोई है इसमें, शिक्षा मापे भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, ठेकेदार भी हो सकते हैं, दलाल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई लोग है जो चोर है और जिसके बारे में पता लगाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जिस सिपाही से लेकर डीएसपी तक और सिपाही से लेकर और कलर से लेकर एसडीएम तक बिहार में जो सबसे बड़ा पद है, उस पद पर चयनित होने वाले शुरू से लेकर अंत तक अगर चोर पैदा होंगे तो निश्चित रूप से बिहार को बर्बाद कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि इसकी स्वच्छता पर ध्यान दी जाए और कठोर कदम उठाए जाए, जो भी दोषी हो, कितना बड़ा मगरमच्छ क्यों ना हो, उस पर कठोर से कठोर सजा हो। और बीपीएससी क्वेश्चन सेट करने वाले को अच्छा से रखे, चेक करने वाले को अच्छा से रखे और आंसर देने वाले को अच्छा से रखे और मानक किताब को मानदंड बनाए।
ये नहीं कि किसी तरह कर परीक्षा ले लिया, उससे नहीं होगा। और ई चॉइस को जितना जल्दी हो सके हटाए, क्योंकि ई चॉइस जब तक रहेगा तब तक ये बंदर का घाव है, कभी ठीक होने वाला नहीं है। और बीपीएससी अपनी बीपीएससी सारा का सारा आयोग दरोगा वाला आयोग चेयरमैन हम पर नाराजे रहते हैं, लेकिन वो भी सुन ले कि वो तो ई भी नहीं देते हैं आपको, आंसर भी नहीं देते हैं। दूसरी बात की वो आपको क्वेश्चन भी नहीं देते हैं। तीसरी बात की आपको आरटीआई से मांगता है तो उसका जवाब नहीं देते हैं। कर्मचारी जो है कसूर लीजिए कि वो महानुभाव लोग इतना महान आदमी है, व्यक्ति आत्मा पास करती है कि 8 साल पर इंटर स्तरीय परीक्षा हुआ। सिपाही का क्वेश्चन थोड़ा तैरता रहता है, फायरमैन का क्वेश्चन तैरता रहता है। अरे भैया शिक्षा आधार है। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। और मैंने झोपड़ी को महलों में बदलते देखा है और महलों को झोपड़ी में बनते हुए देखा है शिक्षा के कारण ही। तो ऐसी परिस्थिति में अगर शिक्षा को नहीं सुधारा गया तो बर्बाद हो जाएगा बिहार। इसलिए बढ़ेगा बिहार कब, जब सुधरेगा बिहार तब। सुधारेगा कौन? हमारे माननीय लोग सुधारेंगे। सर आप एक बहुत बड़े शिक्षक हैं और समाज निर्माण में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत आपकी पढ़ाई में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी जगहों पर हैं, अधिकारी बहुत सारे लोग हैं। सर ये सवाल करना चाहूंगी कि इस तरीके की जब घटना होती है, जब धांधली की बात सामने आती है, पहली बात तो ये है कि बच्चों के भविष्य का सवाल होता है तो ऐसी घटना तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब ऐसी घटना होती है तब उसके बाद इस पर कार्रवाई जल्दी क्यों नहीं होती है? सर देखिए कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती है, कार्रवाई जल्दी नहीं होती, कार्रवाई होती है। लड़के चिल्लाते हैं आप लोग मीडिया वाले लोग इसको करते हैं, कार्रवाई होती है। लेकिन कार्रवाई के क्रम में जो मछली पकड़ा जाता है वो अधिकतर छोटा मछली होता है और बड़ा मछली जो है वो बच के निकल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार जब तक इसमें इस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने शराबबंदी पर रोक लगाई, काबिल तारीफ है, सैल्यूट करने योग्य की बात है। स्त्रियों बच्चियों को 35% आरक्षण दिया, सैल्यूट करने की बात है। उसी तरह शिक्षा पर अगर एक नजर डाल दे आयोगों पर नजर डाल दे तो चूल से चूल ही जगह सुधर देगा। और दोनों हाथ से गुरु रहमान इसी देशवा न्यूज के ऑफिस में आकर सैल्यूट करेगा माननीय मुख्यमंत्री को कि आपने सच में बिहार को सुधार दिया और अब बिहार निश्चित रूप से भारत को एक विश्व गुरु में परिणत करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो देखिए बीपीएससी के छात्र जो हैं वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आए दिन उनका आरोप है कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई, जो बड़ी परीक्षा कही जाती है, उसमें धांधली की बातें सामने आई थी। तो इसी को लेकर के हमने गुरु रहमान सर से बातचीत की और इनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो भी आप लोगों ने सुनी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि हमारे साथ आप जुड़े और हमारे साथ आपने अपनी राय रखी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।